हेलो फ्रेंड्स, मूवी लवर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वर्ल्ड सिनेमा की एक ग्रेटेस्ट फिल्म हाराकिरी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो रिलीज हुई थी 1962 में और इसे डायरेक्ट किया था ग्रेट फिल्म मेकर मसाकी कोबायाशी ने। हाराकिरी एक जापानीज पीरियड ड्रामा एक्शन सैमुराई फिल्म है। फिल्म की स्टोरी सेट है जापान के ईडो पीरियड में, साल 1619 से 1630 के बीच। ईडो काल के दौरान जापान की मिलिट्री गवर्नमेंट थी तोकुगावा शोगुनेट। ये फिल्म एक रोनिन जिसका नाम हानशिरो सुगोमो है उसकी कहानी बताती है, जो एक लोकल फ्यूडल लॉर्ड साइटो के यहाँ आता है और हारिकिरी करने की रिक्वेस्ट करता है। दोस्तों, रोनिन सेपुकू और बुशिदो कोड ये जापान के ज्यादातर सैमुराई सिनेमा में देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये फिल्म समझने में आसानी हो। फ्यूडल जापान में रोनिन एक टाइप के सैमुराई होते थे जिनका कोई मास्टर नहीं होता था। जब किसी सैमुराई के मास्टर की डेथ हो जाती या समुराई का मास्टर उन्हें अपने क्लैन मतलब कबीले से निकाल देता, तब ये समुराई रोनिन कहलाते। मास्टर या समुराई मतलब रोनिन। रोनिन के पास कोई काम न होने की वजह से वो बेरोजगार हो जाते और इधर उधर भटकते, या फिर वो सेपुकू कर लेते, क्योंकि समुराई का जीवन सारा चलता था एक मॉरल कोड के तहत, जिसे बोलते थे बुशीदो कोड। और इसी बुशीदो कोड के तहत रोनिन आत्महत्या कर लेते थे। सेपुकू को हाराकिरी भी कहा जाता है। ये एक जापानी सुसाइड करने की रस्म है जिसमें रोनिन को अपना पेट काटना पड़ता था। दोस्तों, कमी फिल्म होगी जिनका स्कोर 100% होता है रोटेन टोमेटोस पर, इस फिल्म का है। आईएमडीबी की टॉप 250 मूवीज में इसकी रैंकिंग है 45 और रेटिंग है 8.6। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हाराकिरी की स्टोरी। साल है 1630। हानशिरो सुगुमो जो की एक रोनिन है, वो ईयी कबीले की प्रॉपर्टी पर आता है और कहता है कि वो महल के आंगन में हाराकिरी करना चाहता है, मतलब की आत्महत्या। हानशिरो जब सैमुराई था, वो फुकुशिमा क्लैन जो कि हिरोशिमा में था उसके अंडर काम किया करता था। हानशिरो बताता है कि साल 1619 में उसके मास्टर का कबीला खत्म हो गया और वो तब से भटक रहा है। उसे कोई काम नहीं मिला और वो अब गरीबी में और जीना नहीं चाहता। उसे एक सम्मान की मौत चाहिए हाराकिरी करके। फ्यूडल लॉर्ड साइटो इस कबीले का सीनियर हेड है। अपने आंगन में हाराकिरी करने से पहले साइटो पूछता है हानशिरो से कि क्या तुम चिजीवी मोटोबो नाम के बंदे को जानते हो, क्योंकि वो भी फुकुशिमा कबीले से ही था। हानशिरो मना करता कि वो ऐसे बंदे को नहीं जानता। साइडो कहता है कि ये चिजीवा भी एक रोनिन था और कुछ महीने पहले हमारे हाराकिरी करने आया था। साइडो कहता है कि तुम्हें चिजीवा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों, फिल्म यहाँ से फ्लैशबैक में चलती है। मोटोवा चिजीवा को दिखाते हैं जो कि साइडो की प्रॉपर्टी पर आता है और वो हाराकिरी करने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो बहुत गरीब है और वो अब भूख परी में नहीं जीना चाहता। अब साइडो और उसके अंडर काम करने वाले सैमुराई डिस्कस करते हैं कि चिजीवा की हेल्प करनी चाहिए, उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए ताकि वो घर चला जाए और ये आत्महत्या का जो डिसीजन है वो वापस ले ले। बट ये एक सैमुराई बोलता है कि अगर चिजीवा की हेल्प करते हैं तो उसके बाद ना जाने कितने रोनिन उनके यहाँ आने लगे और ये एक चैरिटी स्कूल बन जाएगा। एक सैमुराई जिसका नाम ओमोडाका हिकुकोरी है, वो कहता है चिजीवा से कि हाराकिरी तैयारी हो चुकी है, बट अचानक चिजीवा बोलता है कि उसे एक दो दिन की मोहलत चाहिए, वो अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलना चाहता है और वो दो दिन बाद वापस आ जाएगा हाराकिरी के लिए। बट ओमोडाका मना करता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वरना उनके क्लैन की बेइज्जती होगी और वैसे भी तुम एक सैमुराई हो, अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अब यहाँ चिजीवा फंस गया। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे सारे सैमुराई रोक लेते हैं। अब उसी शाम चिजीवा को हाराकिरी करनी है। चिजीवा रिक्वेस्ट करता है साइटो से कि उसे एक बार अपने घर जाने दे, वो वापस यहाँ आएगा, बट साइटो मना कर देता है। हाराकिरी में होता यह था कि जो रोनिन है वो पहले अपना पेट को काटता जिससे उसे दर्द का एहसास होता, और थोड़ी कुछ सेकंड के बाद एक सैमुराई पीछे से उसका सर उड़ा देता जिससे रोनिन का पूरा खात्मा हो जाता। इसी तरह यह रस्म पूरी की जाती। अब यहाँ एक चालाकी करता है ओमोडाका, जो चिजीवा है उसे अपनी तलवार से ही हाराकिरी करनी पड़ती है, मतलब कि जो उसके तलवार के ब्लेड से वो बांस से बने हुए थे। जब चिजीवा अपना पेट काटता तो उसे बहुत दर्द होता है और थोड़ी देर के बाद ओमोडाका उसका सर उड़ा देता है और चिजीवा का अंत होता है, क्योंकि जो नॉर्मली हाराकिरी होती थी वो उस तलवार से होती थी जिससे कुछ सेकंड में ही काम तमाम हो जाता था रोनिन का। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। अब साइडो कहता है कि ये कहानी इसलिए बताई है तुम्हें क्योंकि कल तुम भी मना ना कर दो हाराकिरी के लिए, क्योंकि पहले तो रोनिन कहते हैं उसके बाद पीछे हट जाते हैं। हानशिरो कहता है वो पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। अब तैयार है हानशिरो हाराकिरी के लिए। हानशिरो रिक्वेस्ट करता है कि ओमोडाका उसका सर उड़ाए, मतलब कि जो सेकंड स्टेप है हाराकिरी रस्म का, वो चाहता है कि ओमोडाका करे उसे। बट साइटो कहता है कि वो आज बीमार है और वो यहाँ नहीं आया। साइटो अपने बंदे को भेजता है कि ओमोडाका के घर जाए और पता करे कि अब वो कैसा है। अब हानशिरो बोलता है कि जब तक ओमोडाका यहाँ आए तब तक वो एक कहानी सुनाना चाहता है। साइटो पूछता है किस तरह की कहानी, तो वो कहता है कि वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता है। अभी तक साइटो समझ नहीं पाया कि हानशिरो यहाँ पर
करने क्या आया, क्योंकि अब साइटो को लगा कुछ बात है, क्योंकि वो अपनी कहानी क्यों सुनाना चाह रहा है। साइटो कहता है कि मैं उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। हानशिरो कहता है साइटो से, जो आज तुमने चिजीवा की कहानी बताई वो उसे जानता था, और ये सुनकर होश उड़ जाते हैं साइटो के, और अब कहानी फ्लैशबैक में चलती है। 11 साल पहले की बात है, साल 1619 में शोगुन द्वारा उनके कबीले को समाप्त कर दिया गया था। उनके मास्टर ने हाराकिरी कर ली थी। हानशिरो भी हाराकिरी करना चाह रहा था, लेकिन इसे रोकने के लिए हानशिरो के दोस्त ने हाराकिरी कर ली। उसका एक बेटा था, मतलब कि जो चिजीवा है वो हानशिरो के दोस्त का बेटा था। हानशिरो की एक बेटी थी मीहू। अब फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। साइटो कहता है कि ओमोडाका बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकता, किसी और को चुन लो। हानशिरो कहते हैं यजाकी कर सकता है ये रस्म पूरी। अब साइटो कहता है वो भी नहीं आ सकता, वो भी बीमार है। और हानशिरो बोलता क्या कवाबी कर सकता है, कवाबी यूनू सूके भी एक तरह से अच्छा समुराई, मतलब कि वो भी उसका सर उड़ा सकता है। और अब पता चलता है वो भी बीमार है। अब हानशिरो हंसने लगता है, मतलब तीनों ही बीमार है, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। और वो खूब हंसता है हानशिरो। अब साइटो थोड़ा परेशान हो जाता है कि चल क्या रहा है। वो अपने अंदर जाकर रूम में बात करता है बाकी के समुराई से कि ये हानशिरो के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और इसका मकसद क्या है आने का। साइटो कहता है अगर हानशिरो भी हाराकिरी करने के लिए मना करता है तो उसे सब घेर लेना और यहीं खत्म कर देना। अब साइटो कहता है हानशिरो से कि वो तीनों नहीं आ सकते, और तुम्हारी जो सेकंड स्टेप है जो कि सर उड़ाने की रस्म है उसे दूसरा समुराई पूरा कर सकता है, बट ये हानशिरो को मंजूर नहीं। साइटो को गुस्सा आ जाता है और अब बोलता है हानशिरो से कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें हाराकिरी करनी ही नहीं। और अचानक साइटो ऑर्डर दे देता है कि इस समुराई को यहीं खत्म कर दो। हानशिरो को सब घेर लेते हैं और हानशिरो बोलता है साइटो से कि अगर तुम्हारे समुराई को नहीं रोका तो वो लड़ेगा, मतलब कि वो अकेला है लेकिन उसके कुछ समुराई मारे जाएंगे। साइटो कहते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो। हानशिरो कहता है कि अपने लोगों को रोको, वो अपनी कहानी खत्म करना चाहता है और उसके बाद वो हाराकिरी कर लेगा, चाहे कोई भी समुराई उसका सर उड़ा दे। अभी तक साइटो समझ नहीं पाया कि हानशिरो के माइंड में चल क्या रहा है। अब साइटो बोलता है जल्दी से अपनी कहानी खत्म करो और ये हाराकिरी की रस्म को पूरा करो। अब स्टोरी फिर फ्लैशबैक में चलती है। हानशिरो बताता है कि जब वो आखिरी युद्ध हुआ था उसी में हिरोशिमा में उसका जो कबीला था वो खत्म हो गया और वो अब यहाँ इडो शहर में आ चुका था, जहाँ रोनिन ही रोनिन थे और बेरोजगारी भयंकर थी, बहुत गरीबी थी वहाँ। मरने से पहले जो हानशिरो का दोस्त था, हानशिरो ने उससे प्रॉमिस किया था कि उसके बेटे चिजीवा की देखभाल करेगा। हानशिरो की एक बेटी थी मीहू। चिजीवा और मीहू एक दूसरे को पसंद करते हैं और हानशिरो उन दोनों की शादी करवा देता है। चिजीवा और मीहू के एक बेटा होता है और हानशिरो अब दाता बन गया। हानशिरो अब बहुत खुश है, हालांकि गरीबी बहुत है, छोटा मोटा काम करता है हानशिरो, और जो चिजीवा वो भी स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी खुशियां खत्म हो जाती हैं। हानशिरो की बेटी मीहू बहुत बीमार हो जाती है और कुछ दिन के बाद जो उसका ग्रैंडसन है वो भी बीमार हो जाता है, उसे बहुत तेज फीवर हो जाता है। और जो चिजीवा है उसका काम भी खत्म हो जाता है, मतलब कि उनके पास अब पैसा कुछ भी नहीं बचा इलाज कराने के लिए। चिजीवा कहता है हानशिरो से कि वो बाहर जा रहा है और उसका एक दोस्त है, वो उससे कुछ पैसे उधार ले लेगा जिससे उसकी वाइफ और उसके बेटे का इलाज हो सके। और चिजीवा कहता है कि वो शाम तक लौट आएगा, बट शाम तक वो नहीं आता। वो देर रात को घर लौटता है और उसकी लाश होती है। उसकी बॉडी को तीनों समुराई लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये नौजवान चिजीवा उनके यहाँ आया था हाराकिरी करने के लिए और उसने उनकी ये रस्म पूरी की। हानशिरो अपने सन इन लॉ की लाश देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जो उसकी वाइफ है वो भी बहुत रोती है। अब वो हानशिरो पूछता है कि ये जो तलवार है ये तो एक बैम्बू स्वॉर्ड है, मतलब कि बांस से बनी तलवार से तो कोई हाराकिरी नहीं करता, उससे तो बहुत दर्द होता है। लेकिन वो तीनों समुराय कहते हैं कि उसी ने कहा था कि वो बैम्बू स्वॉर्ड से हाराकिरी करना चाहता है। अब वो तीनों हंसते हैं कि इसे आजाद कर दिया क्योंकि ये जिंदगी से परेशान था। हानशिरो और उसकी जो बेटी है बहुत रोते हैं क्योंकि जो चिजीवा है वो मर चुका है। इलाज न होने की वजह से कुछ दिन के बाद जो हानशिरो का ग्रैंडसन है वो मर जाता और कुछ दिन के बाद उसकी बेटी भी मर जाती है और हानशिरो की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उजड़ चुकी है। हानशिरो अकेला हो चुका है दुनिया में। अब फिल्म प्रेजेंट में आती है। अब हानशिरो बोलता है साइटो से कि तुमने मोटोमी चिजीवा, मतलब उसके सन इन लॉ का मामला ठीक से हैंडल नहीं किया, उसे कुछ दिन की मोहलत दे देनी चाहिए थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और तुमने जरा भी रहम नहीं दिखाया उस पर। हानशिरो कहता है कि जो चिजीवा था एक समुराय था लेकिन वो एक इंसान भी था और उसकी मजबूरी को समझना चाहिए था। और अब वो बोलता है कि ये जो समुराय और सम्मान की बातें सब ढकोसला है, और ये सुनकर साइटो को बहुत गुस्सा आ जाता है। हानशिरो बोलता है साइटो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ आत्महत्या करने नहीं आया हूँ, जैसे कि उसके सन इन लॉ भी पीछे हट गया था, बट साइटो मुझे बताया कि तुम मेरे को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दोगे, जैसे उसके सन इन लॉ को नहीं जाने दिया था और उसे फंसा कर मार दिया। हानशिरो बोलता है कि उसकी कहानी अब खत्म हुई और अब बस हाराकिरी की रस्म करनी है। लेकिन उससे पहले वो कहता है तुम्हें तीन गिफ्ट देना चाहता हूँ। पहले वो दो टॉप नोट निकालता है, मतलब चोटी, और बोलता है कि इन तीनों को पहचानते हो।
ये देखकर साइटो के होश उड़ जाते। हानशुरो कहता है सिर्फ उनकी चोटी काटिए, उन्हें मारा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती होती है कि किसी समुराई की चोटी काट दी जाए। ये बात 6 दिन पहले की है। हानशुरो कहता है उसने उन दोनों का पीछा किया, यजाकी और कवाबी का, और उन्हें फंसा कर उनकी दोनों चोटी काट दी। तीसरा समुराई था ओमोडाका, उसने उसे टक्कर दी, बट वो इतना बढ़िया समुराई भी नहीं था क्योंकि उसने एक्चुअल में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, और हानशुरो ने काफी सारे युद्ध लड़े थे पहले, और ओमोडाका की भी चोटी काट देता। वो तीसरी टॉप नोट भी वहां दिखाता है, और हानशुरो ठहाके मारकर हंसता है, और साइटो सुनकर बहुत परेशान हो चुका है, और हानशुरो कहता है कि तुमने जो बोला कि वो तीनों समुराई बीमार है, ये सब झूठ है, वो अपनी चोटी जो कटने की वजह से घर में बैठे हैं और उसे उगने का इंतजार कर रहे हैं, और कहता है जो तुम्हारा ये ईई क्लैन है, कबीला है, ये सब ढकोसला है, एक पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। और हानशुरो खूब हंसता है साइटो पर। अब साइटो सोचता है कि अब क्या करे। अब साइटो कहता है कि ये पागल हो चुका हानशुरो और इसे ही खत्म करो। अब दोस्तों हानशुरो की हिम्मत दिखाई गई है। अब जो लास्ट के 10 मिनट है जबरदस्त एक्शन सीन्स होते हैं। हानशुरो अकेला लड़ता है सारे समुराई से और कई को मार देता है, बट खुद भी घायल हो जाता है। वो उस रूम में पहुंच जाता है जहां समुराई का आर्मर रखा था और उसे उठाकर फेंक देता है और तलवार से अपने पेट को काट देता है और हारागिरी कर लेता है। और साइटो के लोग अब क्या करते हैं, उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं और उसे मार देते हैं। साइटो का हाल खराब हो चुका है क्योंकि हानशुरो ने बहुत तबाही मचा दी उसके महल में। उसके 4 समुराई मारे गए और 8 घायल हो गए। दोस्तों लास्ट की जो फाइट है बहुत जबरदस्त दिखाई गई है, रियलिस्टिक फाइट लगती है एकदम। अब साइटो कहता है कि अपने सेवकों से कि बाहर यह खबर बिल्कुल ना पता चले कि यहाँ हुआ क्या था। वो बोलता है कि कोई भी बाहर पूछे तो बोलना कि हानशुरो नाम का एक रोनिन यहाँ आया था और उसकी हारेकिरी की रस्म पूरी तरह से यहाँ हुई। अब साइटो कहता है उन तीनों के घर जाओ और पता करो क्या। लेकिन होता क्या है, ओमोडाका का पता चल जाता है, ओमोडाका ने आत्महत्या पहले कर ली है। और साइटो कहता है जो दोनों समुराई है उनको जाकर कहो कि वो हारेकिरी करें या फिर उन्हें वहीं खत्म कर दो ताकि ये जो राज है राजी रहे। साइटो कहते हैं हाँ, जो भी लड़ाई हुई है उसके जीतने भी सबूत है वो सब मिटा दो, और उसके आदमी साफ सफाई करते हैं, और जो समुराई का आर्मर को नीचे फेंका था हानशुरो ने उसे वापस रख दिया जाता है। और साइटो कहता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, एक तरीके से वो झूठी झूठ बोलता है अपने सेवकों से, और यही इस फिल्म का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी हारेकिरी की स्टोरी। अब दोस्तों फिल्म का फाइनल एनालिसिस देखते हैं। जैसे कि ये फिल्म सेट है जापान के इतिहास के समय में जब फ्यूडल लॉर्ड और सैमुराई का दौर हुआ करता था, बट हिपोक्रेसी मतलब कि दोगलापन या पाखंड देखने को मिलता है, क्योंकि ये कबीले के जो सीनियर हेड थे वो वैसे तो मॉरल कोड और ऑनर की बात करते बट एक्चुअली पालन किसी का भी नहीं करते थे, जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है। मोटोमो चिजीवा रिक्वेस्ट करता है कि उसे 1-2 दिन की मोहलत चाहिए, लेकिन साइटो बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं करता और हारेकिरी की रस्म करके उसे फंसा देता है। साइटो चाहता तो उसकी पैसे से मदद कर सकता चिजीवा की, बट वो नहीं करता, उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी। और अब बात करते हैं समुराई की जो युद्ध में लड़ते थे। जब युद्ध खत्म हो गए तो समुराई का दौर भी कम होने लगा और वो रोनिन बन गए, और समाज ने भी उन्हें ठुकरा दिया और उनकी हेल्प बिल्कुल नहीं की। चीजों के पास अपनी समुराई की तलवार थी, उसने उसे बेच दिया क्योंकि उसने ये सोचा कि ये तलवार उसके किस काम की जब उसे उसका घर का गुजारा ही नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी तलवार बेच दी थी और उसके बदले बैम्बूसर जो सस्ती तलवार थी उसे रख लिया था। अब बात करते हैं हानशुरो की। हानशुरो ने किस तरह अपना बदला लिया वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाया गया फिल्म में। उसने अपनी कहानी सुनाई साइटो को, वो एहसास दिलाया कि ये जो उसका स्कूल है वो एक ढकोसला है और एक पाखंड है, और ये जो ई कबीला वो झूठ की बुनियाद पर है। और जब लास्ट में फाइट होती है जो उसके इतने सारे समुराई थे वो किसी भी काम के नहीं थे, मतलब कि इतने सारे समुराई से अकेले उसने टक्कर दी, क्योंकि जो एक्चुअल में जो हानशुरो था वो बहुत सारे युद्ध में लड़ चुका था, उसे एक्सपीरियंस था लड़ाई का। कोबायाशी ने अपने समाज को एक्सपोज किया खासकर ईडो पीरियड के जो पावर में थे फ्यूडल लॉर्ड्स को, तो एक तरीके से झूठ और पाखंड को एक्सपोज किया गया इस फिल्म में जो जापान के इतिहास का चैप्टर है। तो दोस्तों ये था फिल्म का फाइनल एनालिसिस। जैसे कि मैंने बोला है कि ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, बट ये एक मिस्ट्री फिल्म भी है, क्योंकि जो हानशुरो का जो मकसद था वो हमें लास्ट में ही पता चलता है कि वो यहाँ क्यों आया था। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। दोस्तों 1963 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में इसे स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया था। मसाकी कोबायाशी के डायरेक्शन की जितनी भी तारीफ करें वो कम है, बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन किया उन्होंने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी गजब की है फिल्म की। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने बढ़िया काम किया, बट तातसुयो नाकाडा ने ग्रेट परफॉर्मेंस दिया इस फिल्म में। पिछले 10-15 साल से इस फिल्म की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है और वर्ल्ड सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्म में से अब यह गिनी जाती है। जिस तरह से फिल्म की स्टोरी को प्रेजेंट किया है वो उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा चैलेंजिंग काम था, बट मैंने कोशिश की आपको फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म समझ आई होगी। दोस्तों हम कोशिश करेंगे वर्ल्ड सिनेमा की और भी ग्रेट फिल्म आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें कोशिश करेंगे आसान भाषा में आपको समझाने की।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बी हैप्पी एंड टेक केयर।